तो दोस्तों हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग सीरीज़ का ये मेरा पहला वीडियो है जहाँ पे हम समझेंगे हार्डवेयर और नेटवर्किंग के पार्ट के बारे में कि एक्चुअली में हार्डवेयर क्या होता है और नेटवर्किंग क्या होता है, यहाँ पे वो हम बात करेंगे। ये नेटवर्किंग आप वो मत समझ लेना कि एक लोग को जोड़ो, चार को और जोड़ो, छः को अलग जोड़ो। मैं यहाँ पे टेक्नोलॉजी में नेटवर्किंग की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे डिवाइसेस होते हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, तो उसी के बारे में आज बात करेंगे। जस्ट बेसिक और एज अ इंट्रोडक्शन ये मैं वीडियो यहाँ पे बना रहा हूँ। तो दोस्तों हार्डवेयर वो सारे पार्ट होते हैं जो हम लोग फिजिकली टच कर सकते हैं, जैसे कि आपका मदरबोर्ड हो गया, रैम हो गया, डिस्प्ले हो गई, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, ये आप कहते हैं आते हैं हार्डवेयर डिवाइसेस में या हार्डवेयर पार्ट में। और हार्डवेयर की सीरीज़ आगे पढ़ेंगे जो पहले इम्पोर्टेंट है, पहले हम वो पढ़ लेते हैं। तो पहले मैं आपको इसमें नेटवर्किंग पढ़ाऊंगा और इसके बाद में इन बिटवीन कोर्स के बिटवीन में आपको बताऊंगा हार्डवेयर पेरिफेरल्स डिवाइस के बारे में, और थोड़ा सा उसमें इंटरनली बेसिक भी पढ़ेंगे, मदरबोर्ड, प्रोसेसर या रैम कैसे, फाइल्स वगैरह के बारे में हम सब सीखेंगे हार्डवेयर के बारे में। तो अभी मैं बात करूंगा यहाँ पे नेटवर्किंग के बारे में। अब देखो दोस्तों, नेटवर्क, नेट प्लस वर्क, तो इससे से साफ मतलब निकल रहा है कि नेट दैट इज़ इंटरनेट एंड वर्क जो कि काम करता है। मतलब कि नेटवर्क का है कि जब भी कभी एक डिवाइस या मल्टीपल डिवाइस एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं तो उसको हम बोलते हैं नेटवर्किंग, और जब एक डिवाइस होता है वो किसी से कनेक्ट होता है तो उसको बोलते हैं हम नेटवर्क। यहाँ पे दोनों वर्ड को समझना चाहिए आपको, जैसे नेटवर्क जहाँ पे सिंगल एक डिवाइस कनेक्टेड है, और नेटवर्किंग जहाँ पे मल्टीपल डिवाइस कनेक्टेड है किसी सर्वर से, किसी स्टोरेज से, किसी लैन से, किसी इंटरनेट से, तो वहाँ पे टोटल मिला के वो बनता है एक नेटवर्क, जिसको हम बोलते हैं नेटवर्किंग। मतलब कि वहाँ पे नेटवर्किंग की गई है, जो वहाँ पे वायर्स बिछाए गए हैं या हो सकता है कि वायरलेस हो वहाँ पे, तो वो सारी चीज़ें होती हैं अंडर नेटवर्किंग। तो अगर बेसिकली मैं इसके डेफिनीशन की बात करूँ तो होता है कि नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स व्हेन टू और मोर कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर। भी मैंने आपको बताया कि जब नेटवर्क काफ़ी सारे सिस्टम जब कनेक्ट होते हैं तो यहाँ पे वही आपकी डेफिनेशन बनती है कि व्हेन टू और मोर सिस्टम्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर, मतलब कि दो और दो से ज़्यादा सिस्टम जब आपस में कनेक्ट होते हैं तो वहाँ पे हम उसको नेटवर्किंग बोलते हैं। और वापस आते हैं डेफिनेशन, टू शेयर द इंफॉर्मेशन बिटवीन द कंप्यूटर्स। अब देखो यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट जो लाइन है, टू शेयर द इंफॉर्मेशन बिटवीन द कंप्यूटर्स। अब यहाँ पे मतलब ये नहीं कि सिर्फ नेटवर्किंग का यूज आप कंप्यूटर्स में ही कर सकते हो, आप फोन से में भी करते हो नेटवर्क का यूज़, लैपटॉप में भी करते हो, डेस्कटॉप में भी कर सकते हो, कोई भी ऐसी डिवाइस जहाँ पे आपको इंटरनेट का एक्सेस मिल रहा है वो आपके एक नेटवर्क में यूज हो रहा है, या कहीं भी आप भी कोई फाइल शेयर कर रहे हो वो आप एक नेटवर्क के पार्ट हो वहाँ पे। आप नॉर्मली अगर फाइल्स बाई गूगल या शेयर एड वगैरह यूज़ करते हो तो वहाँ पे इनडायरेक्टली आप नेटवर्क का यूज़ कर रहे हो, तभी पॉसिबल है उन फाइल्स को आपस में शेयर करना। बेसिकली क्या है, टू शेयर द इंफॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटर्स लाइक फाइल्स, फोल्डर्स, एप्लीकेशंस, प्रिंटर्स, वट एवर, जो भी आप शेयर कर सकते हो। तो बेसिकली ये डेफिनेशन होती है एक नेटवर्किंग की, जहाँ पे आप सारी चीज़ें आप अपने ऑनलाइन स्टोर और अपनी ऑनलाइन चीज़ें आप इजीली शेयर कर पाते हो, उसको बोलते हैं हम नेटवर्क। एंड हाँ दोस्तों, यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं ऐड ऑन करूँगा जो कि आपके इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि दैट व्हाट इज़ द एग्जैक्ट बेनिफिट ऑफ नेटवर्किंग या नेटवर्क। मतलब हमेशा पूछा जाता है आप नेटवर्क का यूज़ तो करते हो लेकिन नेटवर्क का बेनिफिट क्या है, ये क्वेश्चन हमेशा आप लोगों से पूछा जाएगा। तो यहाँ पे सीधा सा एक मतलब है, टाइम सेविंग एंड रिड्यूस कॉस्ट। अभी देखो क्या होता है ना, जब भी आप, मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ, आप अपने रूम में ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगवाते हो, ओके। अब आप जब ब्रॉडबैंड कनेक्शन सबके लिए लाइन केबल, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, सब अगर आप लैपटॉप भी यूज़ कर रहे हो, डेस्कटॉप भी यूज़ कर रहे हो, और वो एक कोई और कंप्यूटर मशीन है, एक प्रिंटर है, तो क्या करोगे, उस जो पर्टिकुलर वहाँ पे जो राउटर लगा होगा उससे लैन केबल आएगी, आप लैन केबल एक प्रिंटर में लगाओगे, एक कंप्यूटर में लगाओगे, एक लैपटॉप में लगाओगे, तो लैन केबल्स के थ्रू आप डेटा का यूज़ करोगे। अभी क्या होता है कि आप डायरेक्ट उसको वाईफाई से एक्सेस करते हो, मतलब कि वो आपका टाइम भी रिड्यूस कर रहा है और कॉस्ट को भी सेव कर रहा है, क्योंकि आप लैन केबल परचेस करोगे 50-60 रुपये की, तो आपको 150 रुपये में वो जाके कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। अभी क्या है, आप डायरेक्ट वायरलेसली उसको एक्सेस कर रहे हो,
तो बेसिकली ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया आपको, जब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में बड़ी बड़े फ्लोर्स में वो यूज होता है, तो एक जगह उनका सेटअप किया जाता है जहाँ पे स्विचेस वगैरह लगे होते हैं और स्विच के बाद फिर बीच बीच में एक्सेस पॉइंट लगा दिए जाते हैं उस फ्लोर पे, और वहाँ से आप वाईफाई के थ्रू इंटरनेट एक्सेस करते हो या फिर लैन केबल के थ्रू एक्सेस करते हो। अब जैसे नेटवर्क नहीं है, अब किसी सिंगल सिस्टम को अगर आप नेटवर्क दोगे तो क्या करोगे, एक पर्टिकुलर कंप्यूटर के लिए एक पर्टिकुलर वहाँ पे स्विच लगाओगे या पर्टिकुलर उस सिस्टम को इंटरनेट देने के लिए कुछ अलग कॉन्फ़िगरेशन करोगे। लेकिन अभी नेटवर्क के थ्रू क्या हो रहा है कि वहाँ से डायरेक्ट सारी लाइन केबल आ रही है और सब में अपना अपना जैसे जिसको यूज़ करना है वैसे यूज़ कर रहा है। अब क्या करना है, मुझे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में फाइल ट्रांसफ़र करनी, तो क्या करूँगा, मैं विंडो आर प्रेस करके उस सिस्टम को एक्सेस करूँगा, इस सिस्टम पर मैं फाइल ईजिली ट्रांसफ़र कर पाऊँगा। अब वैसे क्या करोगे, आप पेन ड्राइव अरेंज करोगे, लगाओगे उस भी उसमें डेटा कॉपी करोगे, फिर दूसरे सिस्टम में पेस्ट करोगे, तो ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस होता है। वाइल वी कैन ट्रांसफ़र द डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क, तो हम लोग वहाँ से भी इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब है, नेटवर्क का जो बेनिफिट है, टाइम सेविंग एंड रिड्यूस द कॉस्ट। अभी बेसिकली आज के इस वीडियो में हमने जाना कि नेटवर्क होता क्या है, काम कैसे करता है और उसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो नेक्स्ट वीडियो हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ नेटवर्क, मतलब नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं, उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं और क्या क्या उनके बेनिफिट्स और होते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप पूरी नेटवर्किंग सीरीज सीखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल के साथ आप जुड़े रहें, नीचे रेड कलर का बटन दे रहा होगा वहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर।